गाइज यहाँ पे जो डेकोरेशन है कंप्लीट हो गई, हमने बहुत ही सिंपल डेकोरेशन कराई क्योंकि बैलून्स ही नहीं करवाए हैं। वैसे मन था पूरा बैलून्स कराने का, वो ना रात को जब फूटते हैं ना तो बंदा बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता है, ऊपर इसलिए नहीं करवा सकते थे, बच्चे सोते हैं और इधर बैलून्स लगाती तो हनुमान जी सोते हैं, वो डिस्टर्ब होते, तो इसलिए नहीं कराया। तो ये हो गया बेटर टुगेदर वाला, ये हो गया पायल और हनुमान जी के लिए, उनकी एनिवर्सरी है तो 1 ईयर वाली, और ये हो गया हैप्पी बर्थडे हमारे दोनों बच्चों का क्योंकि उनका आज हुआ है 1 मंथ बर्थडे। ये है मेरी एनिवर्सरी और आयान तुका के फर्स्ट बर्थडे पार्टी की लुक है मेरी। ये मैंने नीचे पहनी सिल्वर जूती और बोलो की भी मैंने गाउन पहना है और मैं पाल डरा दिया ऐसे थोड़ी होता है एकदम से, हमें नहीं पता था। गाइस मैं इनके लिए लेके आऊं मजेदार सा गिफ्ट, दिखा दो तुम्हारे, दिखा दो जी, जाओ फिर आंखें बंद करो, ऐसे ऐसे दिखा दो, चलो मैं आंखें बंद कर लूं, मैं पहले दिखा दे दूं खोल के। तो गाइस सरप्राइज दिखा देता हूं जो मुझे पसंद आए थे, बहुत ही कमाल के हैं, गणेश जी हैं और ये है एंटीक पीस लेके आए हैं हमारे लिए, और ना हमने सोचा भी नहीं था मतलब इतना ब्यूटीफुल गिफ्ट लेके आएंगे मेरी एनिवर्सरी पे। और देखो गाइस ऐसा नहीं है, भेदभाव नहीं है, दोनों के लिए लेके आए, मेरे लिए भी इसके लिए भी, हाथ तो यार, साथ में एक एक कड़ा लक्ष्मी गणेश, ये लक्ष्मी जी है वो गणेश जी है, बहुत ही सुंदर है। लड़की को मिल चुका है कमाल का गिफ्ट, मतलब लगा लो मैं दिल्ली गया हूँ और मुझे बहुत दिन से यूनिक सी चीजें पसंद थी बहुत सारी, और गणेश जी हैं आप देख लो, चलो आप देख, मेरे पास लक्ष्मी जी है, गणेश जी गोलू जी के पास है, गोलू जी के पास। कल गाइस हमने रात को केक काटा था और पायल गोलू काफी नाराज हो गए थे मुझसे, आप हमारे लिए खर्चा नहीं कर सकते, इतना खर्चा कर दिया है तो अब नाराज होने क्या, बिल्कुल मैं तो कभी नाराज ही नहीं होती आपसे। अब सबको खिलाओ बेटा, हमने जन्मदिन दिया था भूल गए क्या बेटा, हमने पेट से दबाया बेटा, पापा नहीं भूले, इधर आ जाओ सारे बच्चे, आ जाओ भाई नितिन, लाइन बना लो, लाइन जाके देख लो नंबर 1 रिकॉर्ड पे और गाना ट्रेंडिंग नंबर 1 में ले आना, और सिर्फ आपको ये बताना है चीकू की एक्टिंग आपको कैसी लगी। देखो हम तो बड़े हो गए, चीकू इस गाने के लिए पूरे 34 घंटे जागा था, और बहुत ज्यादा डांट भी पड़ी थी उसे क्योंकि जब उसका टेक नहीं हो रहा था ना, चीकू के पापा बोल रहे थे बेटा सो जा पर वो सोया नहीं, और तब भी उसने एक्ट ना बहुत अच्छा